गाइस ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू लोग ही बाजार करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुस्लिम अंकल लोग भी हैं, देख सकते हो। और यहाँ देख सकते हो एक सेकंड हैंड गाड़ी का डीलर है, कोड़े भांग के हैं, लड्डू भांग के हैं, और ये जो भाई दूध से बना जो घट्टा बोलते हैं वो भी भांग है। तो कुछ ऐसा सीन है माकुम बाईपास रोड का। शिव धाम जो है ना, चार ऐसे आपको मंदिर मिलेंगे, इसलिए इसको चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। ओ भाई साहब, ये तो अमेरिकन लग रहा है बे। आंटी जी, भांग का लड्डू है क्या? यहाँ करीब करीब अभी 10,000 से ज्यादा लोग मेरे को नजर आ रहे हैं। अगर हमने पूरा का पूरा एक राउंड इस मेले को चक्कर लगाया तो 2 घंटे से कम नहीं लगने वाले साहब। अरे बाप रे, एप्पल वॉच है क्या? आइए देखते हैं। वेल तो कैसे यात्रा के चाहने वालों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और भाई वीडियो आज स्टार्ट कर रहा हूँ दुकान से, क्योंकि भाई घर पे लोग बैठे हैं, वहाँ वीडियो स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, इसलिए मैं दुकान पे आके देखो भाई बैग पहना हुआ, जैकेट पहना हुआ, सारा कुछ रेडी है, हेलमेट पड़ा है पीछे। अभी अपन निकल रहे हैं ना तीन सौ का शिव धाम में, शिव मंदिर जाने वाला है, क्योंकि आज शिवरात्रि का दूसरा दिन है। आज जल चढ़ावा होगा, बहुत सारे लोग होंगे, कच्चा कॉन्टेंट मिलेगा, और साथ में भाई 240 किलोमीटर का एक राइड भी होगा। और अगर इस वीडियो में एंड तक बने रहना, इस वीडियो में मजेदार सीन के साथ आपको भगवान के दर्शन भी हम कराएंगे। तो चलिए निकलते फटाफट और मोटो व्लॉग में आपसे मिलते हैं। तो ये अपना गली है, देख सकते हो, आपने 2-3 बार व्लॉग में देख ही लिया होगा, पल्सर 220 के व्लॉग में, खास करके मिस्टर होला के पल्सर 150 में है, जा रहे हैं भाई तिनसुकिया, बहुत दूर है, करीब 2-2.5 घंटे लगने वाला है। भाई हमें स्पीड को भी मेंटेन करके रखना होगा और आराम से व्लॉग भी बनाना होगा। ज्यादा स्पीड चलाएंगे तो भाई ऑडियो में दिक्कत आएगी, और स्लोली चलाएंगे तब भी भाई हमें लेट पहुंचना होगा, क्योंकि रिटर्न भी आना है, 2.5-3 घंटे का रास्ता भाई रिटर्न आते आते घर में करीब 7-8 बजने वाले हैं। ये आया पहला डिवाइडर, यहाँ से लेना होगा हमें राइट। भाई स्टार्ट ऑफ हो जाती है यार, पता नहीं क्यों यार, मिस्टर ओला का बाइक थोड़ा बहुत खराब है जैसा लग रहा है मेरे को। तो गाइस अपन अभी पहुंच चुके हैं ओल्ड कुलाजान, और ओल्ड कुलाजान भाई ऐसे एक शार्प टर्न में बसा हुआ एक छोटा सा स्मॉल सा सेंटर है ना, क्या बताऊं यार, गड्ढे खड्डे बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ओल्ड कुलाजान किस लिए मैंने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले मतलब एक मार्केट हब हुआ करता था, जब भी बॉगीबिल की गाड़ियाँ जाती थी ना उस साइड से जाती थी पहले। तो गाइस बॉगीबिल ब्रिज बनने के बाद ये वाला रास्ता खुल चुका है, और ये वाला रास्ता बनने के बाद तो भाई ओल्ड कुलाजान तो मानो जैसे कि शांति हो गया, मतलब आप इतना समझ लो कि कहर जब मचाती है ना सुनामी, उसके बाद समंदर जैसे शांत हो जाता है ना, वैसे ही हो गया। और अभी जो कहर मचा रही है ना, जो सुनामी आई हुई, जो समंदर है ना गाइस, वो ये है मतलब न्यू कुलाजान टाउन। देखो भाई आलिया अलीगंज का कितना बड़ा फंक्शन हो रहा है, देख सकते हो भाई, काश हमें पता चलता तो बिल्कुल आके वीडियो बनाते ना, बट क्या करें गाइस, पता ही नहीं चलता है कहाँ क्या फंक्शन हो जाते हैं। अब छोटे मोटे व्लॉगर है ना, इतने मतलब इतना ज़्यादा फील्ड अपना है नहीं, जब भाई अपना फील्ड बढ़ेगा ना फिर भाई तबाही मचाएंगे हम। तो गाइस अपन पेट्रोल यहाँ से रिफिल करेंगे, नया पेट्रोल पंप है, अच्छे प्राइस में भी मिलता है, 300 का डाल दो भैया। भाई 300 डिब्रूगढ़ जोरहाट सबको, शिवसागर सबको भाई जोड़ता है ये रास्ता। तो सोचो ये रास्ते में डंपर भी चढ़ते हैं, बड़े गाड़ियाँ भी चलते हैं, ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े ट्रक्स व्हीकल्स, छोटे गाड़ी का तो हिसाब नहीं है भाई, बाइक्स की तो और भी हिसाब नहीं है भाई, इतने ऑटोज गाड़ियाँ बाइक चलते हैं, इसके बावजूद भी भाई रास्ते को बनाया नहीं गया। बॉगीबिल ब्रिज तो बना नहीं है, बट रास्ता ख़राब हो ऐसा थोड़ी होता है। ये लो भाई बॉगीबिल जाते हुए रास्ते का पहला ब्रिज, इस तरफ ट्रेन की ब्रिज है और यहाँ गाड़ी की ब्रिज। तो भाई पहुँच चुके हैं टोंगानी, टोंगानी रेलवे स्टेशन भी क्रॉस कर लिया, टोंगानी मार्केट छोटा मोटा एक सेंटर मार्केट है उसको भी हमने क्रॉस कर लिया। तो ये हमने पहला पुलिस चेक पॉइंट को क्रॉस कर लिया, और चेक पॉइंट क्रॉस करते ही देखो भाई रास्ता, आपने देखा ही होगा गाइज मेरे व्लॉग में, रास्ते के बारे में तो मैंने बहुत तारीफ की है, जो रास्ता है ना भाई संभाल के नहीं चलाओगे तो भाई एलोय गया तुम्हारा। और गाइज बता दूं कि ये जो ब्रिज है ना, इसमें आप गलती से भी स्पीड चलाने की मत सोचना, क्योंकि गाइज यहाँ पुलिस इंटरसेप्टर लेके खड़ी होती है और भाई स्पीड मेजर करके आपकी चलान कट जाती है। सो ये ध्यान रखना, अगर आप 50-60 के ऊपर चलाते हो तो भाई आपका चलान कटना श्योर है। और भाई एक बार शांत ब्रह्मपुत्र को देख लो भाई, ये नज़ारा आपको बारिश के सीजन में बिल्कुल नहीं दिखने वाला। तो भाई जैसे हमने डाउट किया था, देख सकते हो भाई अपने जो इंटरसेप्टर में बैठे हुए हैं ना पुलिस के कर्मचारी, आराम से चलान काटते काटते बैठ रहे हैं। रहा भाई दूसरा चेक पोस्ट एंडिंग का, और यहाँ से बॉगीबिल ब्रिज जो कि 5 किलोमीटर का है वो हुआ ख़त्म, और आगे से मिस्टर होला चलाएगा, मैं बैठूंगा पीछे, और तब ना भाई आप लोगे म्यूजिक के साथ सीन्स का मजा। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ। ਤੋ ਗਾਇਸ ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਚੁਕੇ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਤਿੰਨਸੁਕੀਆ ਸ਼ਿਵ ਧਾਮ ਹੈ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੋ ਹਾਂ ਜੀ ਗਾਇਸ ਹਮੇ 40 ਸੇ 50 ਮਿੰਟ ਲਗਨੇ ਵਾਲੇ, ਆਰਾਮ ਸੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ 50-60 ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇਂਗੇ, ਆਪਕੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਮ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੇਂਗੇ। ਔਰ ਗਾਇਸ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਵੇ ਕੋ ਚੌੜਾ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਸਲੀਏ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜੋ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮੇ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ ਖੋਦ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ
इजी है, इसके ऊपर अभी लेयर के ऊपर लेयर चढ़ेंगे एंड देन ये रास्ता मक्खन बन जाएगा, हाईवे बनेगा चौड़ा। उसके बाद भाई राइड करने का जो मजा होगा ना, उसका लेवल भाई अलग हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और गाइस देखो यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री बैठा हुआ है जहाँ क्रूड ऑयल को ना पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करके बेचा जाता है, मतलब बाहर से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करा के ना रिफाइन करके बेचा जाता है। मतलब तिनसुकिया माकुम की साइड, डिगबोल के साइड बहुत ऐसे मतलब रिफाइनरी सेंटर बसे हुए हैं जहाँ से तेल का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम होता है। और गाइस मैंने काफी सारे वीडियोस में बहुत बार कहा है कि हमारे जो हाईवेज होते हैं वहाँ गाय बैल बकरी का दिखना आम बात है। देखो लोग कैसे लापरवाही तरीके से ना अपने गाय बैल को छोड़ देते हैं, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आप गाय बैल पालते हो, उससे एक्सीडेंट होकर अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा बोलो। देखो भाई लापरवाही देखो, अगर ये दौड़ के बाइक के आगे आ गए तो भाई हमारी जो एक्सीडेंट होगी ना वो आप सोच भी नहीं सकोगे, उस लेवल की एक्सीडेंट हो जाएगी। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, देखो यहाँ देख सकते हो भाई कुत्ते की कितनी बहरहमी से एक मौत हुई है भाई, गाड़ी के नीचे आ गया कुत्ता, देखो भाई चटनी बन गया लिटरली। अब ये एक्सीडेंट अगर बाइक में होता तो भाई गाय को तो चोट आती, साथ में भाई हमें बहुत ज्यादा गहरी चोट आ सकती थी। तेरा चानन वर्गा दिल काली रात पुड़े, ठोडी ते काला तिल जो पौंदा सी बात पुड़े कखां दा कर। तो ये रहा गाइस बोर्ड, यहाँ 308 किलोमीटर इस तरफ राइट की तरफ दिखा रहा है, धोला सदिया ब्रिज 63 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है, तो अपन लोग राइट की तरफ जाएंगे, सही है ना। इतना खराब रास्ता है क्या बताऊं यार। और गाइस बीच बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, क्या बताऊं। ये देखो भाई गड्ढे खड्डे, रास्ते का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ऐसे रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं, वो कुछ ऐसा सीन है माकुम बाईपास रोड का, रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है। आप अगर आते हो तो भाई जितना हो सके ध्यान से आराम से चलाना, यहाँ भाई हाई स्पीडिंग करने की सोचना भी मत, वरना आपका जो एलॉय हो ना आप गवा दोगे। और यहाँ देख सकते हो एक सेकंड हैंड गाड़ी का डीलर है जहाँ पर सेकंड हैंड जो कार से ना उनको सेल पे रखा गया। काफ़ी सारे गाड़ियाँ मारुति के कार हैं, रेनॉल्ट के हैं, टाटा के हैं, महिंद्रा के हैं, काफ़ी सारे मतलब ब्रांड्स की गाड़ियाँ हैं। सो बस यही रोड में पड़ता है भाई, माकुम बाईपास जो रोड है ना उसी रोड पर भाई आपको एक मतलब लेफ्ट साइड में, अगर आप डिब्रूगढ़ की तरफ से आते हो तो लेफ्ट साइड में, अगर तिनसुकिया की तरफ से आते हो तो भाई राइट साइड में ऑटो से भाई साहब झूम झूम के देख रहे हैं। तो ये देखो भाई रिएक्शन देखो इनके, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो गए ऐसे, भाई क्या बताएं यार, अलग जलवे हैं यार इनके भी। ओ भाई साहब ये किस टाइप का ट्रक है बे, ये तो अमेरिकन लग रहा है बे, खतरनाक ट्रक था यार, अमेरिकन वाला लग रहा है मेरे को तो। है लंबू अमेरिकन लग रहा है ना, अमेरिकन ट्रक लग रहा था ना। हाँ मेरे को भी मतलब जो डिजाइन था ना ऑप्टिमस प्राइम वाला ट्रक ही लग रहा था, हालांकि कलर अलग था, वरना भाई ट्रक को अगर वही कलर पर रखा जाए तो पूरा पूरा अमेरिकन ट्रक लग जाता। चलो भाई अपन लोग इस शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हुए निकलते हैं आगे की ओर, और गूगल बाबा हमें देखते हैं सही पहुंचाते हैं या फिर नहीं। भयंकर बहुत ज़्यादा खराब रास्ता यार। भाई आज शिवरात्रि की वजह से तिनसुकिया में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, हाईवे पे गाड़ियाँ दिख रहे थे। फिर हमने गूगल बाबा को पूछा कि भाई शॉर्टकट से भी शॉर्टकट रास्ता बताओ, फिर बाबा ने बताया कि ये रास्ता अपनाओ भाई। और भयंकर ये रास्ते का हालत देखो, आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई, धूल मिट्टी ऑफ रोड सारा कुछ करते हुए भयंकर। वन वे ना, रिटर्न नहीं आ सकता क्या? तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, हालांकि वन वे है बट फिर भी कोई बात नहीं, वॉलंटियर्स ने बताया कि आप रिटर्न भी आ सकते हो। तो चलो भाई हम यहाँ पर अपने बाइक को पार्क कर देते हैं। और गाइस एक बार गौर फरमाओ इस भीड़ को भाई, मेला लगा हुआ है पूरा का पूरा, देख सकते हो मेरे आगे पीछे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ भीड़ भाई, लोग आते दिखाई दे रहे, देख सकते हो पूरा जो है ना झुंड आ रहा है लोगों का, उस तरफ से कोई पैदल इस तरफ आ रहा है, इस तरफ से कोई पैदल उस तरफ जा रहा है। तो जाके देखते गाइस अब मंदिर की तरफ एंट्री होता है, एंड देन आपको एक एक करके सीन दिखाएंगे। भाई भीड़ इतना ज़्यादा है ना, देखो कैसे आराम से थोड़ा थोड़ा करके हम पैदल चल के अंदर जा रहे हैं, और एंट्री करते ही कुछ ऐसा सीन आपको दिखाई देगा, पुलिस वाले और सीआरपीएफ वालों का सीन, और बच्चों को खेलने और कूद समझ रहे हो, खेलने और कूदने के लिए यहाँ पर एक पार्क का छोटा मोटा एक जो है ना व्यवस्था किया गया। देख सकते हो बच्चों कैसे उछल रहे हैं। गाइस ब्लॉगिंग को छोड़ो, यहाँ इतना ज्यादा भीड़ है ना, ब्लॉगिंग करना ही मतलब भूल गए, भीड़ के बीचों बीच होके आए हैं और पीछे से धक्के लगाए जा रहे हैं। आगे जब चलने का जगह ना हो तो पीछे से कोई धक्के लगाए तो आगे थोड़ी जा सकते हैं, तो अभी यहाँ आकर के थोड़ा बहुत सांस ले रहे हैं। और भीड़ एक बार इकट्ठा देखो भयंकर, यहाँ करीब करीब अभी 10,000 से ज्यादा लोग मेरे को नजर आ रहे हैं। और देखो भाई कुछ ऐसा सीन है, यहाँ आप पूजा के लिए जो भी सामग्री है ना, पूजा का जो भी मतलब बोलते हैं ना थाली वगैरह, आप यहाँ से ले सकते हो। भाई इतना ज्यादा भीड़ है ना, मैंने तो भाई हार मान ली है, हम आगे नहीं जा पाएंगे भाई, रुक रुक के जा रहे हैं।
यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट लग जाएंगे हमको। गाइस मेन मंदिर ये है, देख सकते हो यहाँ पर पूजा वूजा किया जा रहा है। जहाँ जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इन भीड़ के बीचों बीच होकर के आपको जाना होता है, बहुत ज्यादा भीड़ है। और हम यहीं से नमस्कार करें, ओम नमः शिवाय। मंदिर के बीचों बीच काफी सारे पंडित बैठे हैं जो आपको अलग से पूजा करा देंगे, उनके लिए शायद अलग सा चार्ज भी रहा होगा। और देखो भाई शिव मंदिर है, एक बार दिखा देना चाहता हूँ, काफी बड़ा, काफी मतलब एक बहुत ही बड़े एरिया में बसा एक मंदिर है। यहाँ अपन को एक अंकल मिले जो भाई मुरली से गाना बजा रहे हैं। सीन के नाम पर कुछ ऐसा ही है, पीछे मंदिर है, पूजा वूजा किया जा रहा है, अंकल यहाँ पर मुरली बजा रहे हैं। हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं, जमाल हुसैन, जमाल हुसैन, हाँ से हो? हम बॉर्डर साइड के हैं, यूपी बिहार का बॉर्डर, सीमान के हैं। असम आकर आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया है, हरा भरा जगह है, बहुत अमीर देश है ये, जो ऐसे यहाँ गरीबों का भी पेट भरता है, अमीर तो अमीर है। निकलते अभी आगे की ओर, आगे शूट करके आते हैं। भांग के लड्डू बिक रहे हैं यहाँ पर। आंटी जी भांग का लड्डू है क्या? कितना करके दिया? चलो कोई बात नहीं, इस तरफ देख सकते हो गाइस पूरा का पूरा मेला लगा हुआ, एक मार्केट है जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ दिख रहा है। और इधर देखोगे तो भाई मंदिर के बैक साइड पर लोग पैदल चलते दिखाई देंगे आपको, और मतलब मंदिर के किनार पर साइड साइड पर आपको मार्केट दिखा देगा जहाँ मंदिर से रिलेटेड, पूजा से रिलेटेड काफी सारे चीजें जो ना आप बाय कर सकते हो यहाँ से। गाइस देख सकते हो मंदिर से रिलेटेड जो है ना चूड़ी वगैरह, जो भी मतलब रंग वगैरह, अबीर वगैरह जितना भी होता है ना, मतलब पूजा सामग्री में जो भी यूज होते हैं, भगवान के जो भी लॉकेट्स वगैरह होते हैं ना, सारे चीज आपको मिल जाएंगे। और प्रसाद के रूप में जो भाई अंगूर वगैरह, बेर वगैरह जो भी होते हैं ना गाइस, ये देख सकते हो, ये देखो भाई फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, पूजा से रिलेटेड ही है सिर्फ और सिर्फ। गाइस ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू लोग ही बाजार करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुस्लिम अंकल लोग भी हैं, देख सकते हो अंकल भी मतलब पूरा का पूरा जो है ना सब जड़ी बूटी वगैरह जो भी रहता है ना गाइस, वैसी चीजें यहाँ पर बिक रहे हैं। और यहाँ गाइस ट्रैफिक जाम हो चुका है, लोग आ रहे देखो ऐसे, और हमें यहाँ से ना वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा मशक्कत और मेहनत करना पड़ा। चलो 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 रास्ता क्रॉस कर लिया, और ये लो जी भाई धक्के खाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा गाइस ऐसे पूजा करने के लिए ना जो धाम है ना, जहाँ शिव जी का जो मूर्त है या फिर जो लिंग है ना गाइस, चार चार जगह पर बिठा के रखा हुआ है। गाइस शिव धाम जो है ना, चार ऐसे आपको मंदिर मिलेंगे, आपको एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, ऐसे चार आपको मिलेंगे, आप चारों जगह पर जाकर के पूजा कर सकते हो, इसलिए इसको चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ से निकलते हैं आगे, एंड देन फिर आपको एक एक करके बाकी के शॉट्स दिखाएंगे, आइए देखते हैं। गाइस ये मंदिर से हट के दूसरा सीन है, ये पूरा का पूरा मेला का आप सीन बोल सकते हो, जो दुकान है आपको वहां से दिखाई देगा ना, पूरा का पूरा जो दुकान है मेले से रिलेटेड है। गाइस अभी हम मंदिर का सीन छोड़ रहे हैं, अब जाएंगे हम एक एक करके मेला को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम पूरा का पूरा घूम के आपको मेला दिखा पाएंगे, क्योंकि जो भीड़ हमें दिख रही है ना, अगर हमने पूरा का पूरा एक राउंड इस मेले को चक्कर लगाया तो 2 घंटे से कम नहीं लगने वाले। तो गाइस ये गली का एक सीन देख लो, ये गली है मेला से रिलेटेड पूरा का पूरा, आपको टॉय वगैरह, किचन से रिलेटेड, मतलब मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पर देखो फ्लावर का शॉप भी है, यहाँ पर किचन से रिलेटेड बाकी बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं। अब भाई एक एक करके दिखाने लगूंगा तो पूरा का पूरा वक्त चला जाएगा, तो आप देखो और समझो भाई, ठीक है ना। तो ये गली हमने दिखा दिया, अब नेक्स्ट गली ले जाकर आपको दिखाएंगे। गाइस ये जो शॉप है पूरा का पूरा भांग से बना है, देखो पकोड़े भांग के हैं, लड्डू भांग के हैं, और ये जो भाई दूध से बना जो घट्टा बोलते हैं वो भी भांग है, पूरा का पूरा भाई शॉप भांग है। और ये है गाइस दूसरा गली, ये देखो भीड़ देखो भाई, कैसे मैं आपको दिखाऊं यार, दिखाने का कोई सीन ही नहीं बनता यार, भीड़ देखो यहाँ भाई पैदल जैसे तैसे लोग चल रहे, तो आप दिखाए कैसे। और ये भाई दूसरा गली है भाई, गली गली बहुत सारे हैं, तो बस आप देखो समझो, लोगों को भी दिक्कत हो रहा चलने में, ठीक है ना। तो हम ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, लोगों को दिक्कत नहीं करते हैं, आराम से आपको सीन दिखाते हुए निकलते आगे। और गाइस यहाँ भीड़ देख सकते हो, लोग कैसे दबे दबे आ रहे हैं, देखो भाई ऐसा भीड़ मैंने किसी भी मेले में, किसी भी पूजा में नहीं देखा, तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई, खतरनाक भीड़ है, खतरनाक। और भैया अरे बाप रे, एप्पल वॉच है क्या? ओए भाई साहब, ओ भाई देखो 250 में आपको एप्पल भाई, ओरिजिनल एप्पल भाई, ओरिजिनल है क्या भैया? ओए भाई साहब, चलो कोई नहीं भैया, एप्पल वॉच सही है, बट अपने पास पड़ा है, अपन को नहीं लेना एप्पल वॉच। आप आते हो तो भाई एप्पल वॉच भैया से खरीद लेना। भैया क्या नाम आपका? सरुण कुमार जी से आप खरीद सकते हैं, इनके पास वॉचेस का भंडार पड़ा है, ईयरफोन, बाकी पावर बैंक वगैरह काफी सारे ये चीज लेके बैठे हुए हैं। और ये शॉप है गाइस पापड़ का, यहाँ पर आपको रंग बिरंगे तिरंगे के पता नहीं कैसे कैसे पापड़ मिलेंगे, देख सकते हो भाई किस्म किस्म के पापड़ हैं भाई, प्याज के डिजाइन के पता नहीं कैसे कैसे डिजाइन के पापड़ है। पापड़ अगर किसी को खाने का शौक हो तो आके देख लेना। और बुढ़िया के बाल भाई सबका फेवरेट पता ही है, बचपन में तो खाए होंगे, हमने भी खाए, तुमने भी खाए, सबने खाए भाई बुढ़िया के बाल। काफी सारे मिक्सचर नमकीन का दुकान भी है, मतलब शॉप है ना यहाँ पर किस्म किस्म के भरे पड़े, चूरन का शॉप, मतलब क्या बताऊँ यार, मजा आया। तो गाइस अपन वहीं आ गए जहाँ से हमने वीडियो को स्टार्ट किया था, अंकल के शॉप पर देख सकते हो, बैग के शॉप, 100 150 के काफी सारे बैग्स हैं, पर्सेस वगैरह है,
और चश्मे वगैरह आपको मिल जाएगा। इनके वहाँ पर हमने हेलमेट को रखा हुआ था। जैसा सीन है गाइस, इतना ज्यादा भीड़ है ना, पूरा मंदिर चक्कर लगाओगे तो पसीने छूट जाएंगे। 2 घंटे लगे हमें मंदिर को एक चक्कर लगाने पर। और गाइस, इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था कॉमेंट करना ना भूलना। वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, अपने चारों ओर साफ सफाई रखो और अपना ख्याल जरूर रखना। एक बार एग्जिट गेट का सीन भी देख सकते हो, ये जो भीड़ है भाई, ये एग्जिट गेट का बिल्कुल से